प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस, आज इस पर हम लोग बात करते हैं कि है क्या ये। देखिए, आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, और यहाँ पे ऑस्टियो वर्ड है यानी बोन से रिलेटेड, यानी बोन के कारण कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके वजह से ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है। हकीकत बात यह है कि नाम जैसा है ना, उसके अनुसार इसका डिफिनीशन नहीं है, ना ही इसका कोई कॉज है, यह तो एक कॉम्प्लिकेशन है। नाम जो दिया गया है वो कॉम्प्लिकेशन पे दिया गया है। हकीकत में इस बीमारी का नाम जो है वह है कॉन्ड्रोस्क्लेरोसिस। कॉन्ड्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, कॉन्ड्रोस्क्लेरोसिस। हकीकत बीमारी यह है, ये कॉन्ड्रोस्क्लेरोसिस, लेकिन इसके कारण इन्फ्लामेशन होता है बोन में भी और जॉइंट में भी, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। पूरी कहानी हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। यह एक डिजनरेटिव डिजीज है, डिजनरेटिव, और कैसा डिजनरेटिव, एडवांस एज में होने वाला, एडवांस एज में होने वाला डिजनरेटिव डिजीज। अब इससे पहले हमको यह जानना होगा कि डिजनरेटिव किसको बोलते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। डिजनरेटिव का मतलब होता है, जैसे देखिए, यह कोई एक सेल हमारे बॉडी का कोई टिश्यू है, सेल है ना, यह कोई बॉडी का सेल और टिश्यू है। जब इस पे कोई एजेंट का एक्सपोजर होता है, जब कोई एजेंट एक्सपोज करता है इस पे, किसी भी तरह का एजेंट एक्सपोज करता है, चाहे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, कोई भी एजेंट, जब इस सेल पर एक्सपोज करता है, एक्सपोज करने के बाद दो ही बात हो सकता है, या तो इतना ज़्यादा एक्सपोज करेगा कि सेल डेथ कर जाएगी, या इतना कम एक्सपोजर होगा कि सेल जिंदा बच जाएगा। याद रखना है, ज़्यादा एक्सपोजर होगा सेल डेथ कर जाएगा, नेक्रोसिस होगी, उसको डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो एजेंट का एक्सपोजर ज़्यादा हाई अमाउंट में होगी तो सेल डेथ कर जाएगी, उसको डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। लेकिन वही अगर लो पावर में अगर एक्सपोजर होगी तो यह सेल डिस्ट्रक्शन नहीं हो करके ये जिंदा तो बच जाएगी, लेकिन किसी सब्सटेंस को डिपोजिशन करेगा यहाँ पे, उसको हम डीजनरेशन बोलते हैं। डीजनरेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का डिपोजिशन इंजोर्ड सेल पे जब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेशन। यहाँ भी कुछ ऐसे ही बीमारी होती है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं यह एक डिजनरेटिव डिजॉर्डर्स में आता है। और डिजनरेशन इसमें होती है, क्या चीज़ का डिजन होता है, अब लोग एक बार ये स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ हम लोग डिजनरेशन के बारे में समझ गए इसके बारे में कि डिजनरेशन का मतलब होता है कि जब किसी हेल्दी सेल्स पर इंजुरी होती है, इंजुरी के बाद अगर वह धीरे धीरे एस्क्लेरोसिस होने लगता है। एस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, किसी अबनॉर्मल सब्सटेंस का डिपोजिशन होने को क्या बोलते हैं, एस्क्लेरोसिस। देखिए, अब ये जो बात करते हैं हम लोग कि ये जो बीमारी होती है, ये क्या चीज़ की बीमारी है, ये कार्टिलेज का डिजीज है। ये कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज जो होता है बोन के इंड पर जितने भी मूवमेंट वाले जो बोन होते हैं ना, मूवमेंट वाले ज्वाइंट, उस बोन के इंड पर एक डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इलास्टिक मतलब एकदम रबर के जैसा एकदम डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहाँ रहता है, जहाँ जहाँ प्रेशर लगता है जॉइंट पे, जहाँ फोर्स लगता है, जहाँ मूवमेंट होता है, उस हर जॉइंट पे बोन के इंड पर कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज क्या करता है कि प्रेशर को रोकता है, फोर्स को रोकता है, इंजुरी को रोकता है, ये रहता है ये कार्टिलेज है। जैसे फीमर का लोअर पार्ट में आपको मिलेगा, टिबिया फिबुला के अपर पार्ट में कार्टिलेज होती है, हिप का जो सॉकेट जो बोन है उसमें आपको कार्टिलेज मिलता है, यहाँ पर रेडियस में, अल्ना में, सब जगह वहाँ पे कार्टिलेज इन पर मिलता है, यहाँ तक कि टेम्पोरोमेंडिकुलर जंक्शन जो होती है यहाँ पे भी आपको कार्टिलेज है, मैलस इनकसिस टाइप का बोन है वहाँ पे भी कार्टिलेज है, हर बोन के इंड पर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का काम क्या है, एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर है, ये प्रेशर को रोकता है, इंजुरी को रोकता है, फोर्स को रोकता है, यह मेरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं
ये जो कार्टिलेज है ये कार्टिलेज बना होता है, कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो टिश्यू बोलते हैं, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो टिश्यू कहते हैं। तो कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं, ये कार्टिलेज जो बना होता है ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होती है एक प्रोटीन तैयार करता है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन, कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन। ये कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन क्या करता है कि कॉन्ड्रोसाइट सेल को बीचों बीच फाइब्रोसाइट सेल से वो कनेक्ट करता है, और ये जो फाइब्रोसाइट होता है इसे मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट को अटैच करता है। ये अटैच करने में कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसकी वजह से या मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन और फाइब्रोसाइट सेल सब मिल करके एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और यह कार्टिलेज बोन के एंड पर मौजूद रहता है जो कि बोन को फ्रिक्शन से बचाता है, प्रेशर को बचाता है, इंजुरी से बचाता है, यह कार्टिलेज है। अब जो बात करते हैं किसी कारण से अगर ये जो कार्टिलेज का सेल है, अगर यह सेल बाय द वे इंजोर्ड होता है, और इंजुरी होने के कारण अगर किसी कारण से इंजोर होता है, कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन नहीं बनता है सपोज दैट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, और साथ साथ यहाँ पे अबनॉर्मल कोलाजन फाइबर का डिपोजिशन हो जाता है। तो कोलाजन, अबनॉर्मल कोलाजन फाइबर का डिपोजिशन होने से, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होने से ये जो कार्टिलेज है यह धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है। इसी हार्डनेस होने को क्या बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेशन बोलते हैं। यानी जो कार्टिलेज है वह डेंस की जगह पे वह हार्ड हो जाता है, और इसी को डीजेनरेशन बोलते हैं। और इसी डीजेनरेशन होने के कारण अब ये बोन, इस दोनों के बीच में जहाँ पे ये सॉफ्ट सब्सटेंस था जो इस प्रेशर को रोकता था, अब ये डायरेक्ट जो होता है वह प्रेशर क्रिएट करेगी, यहाँ के सॉफ्ट टिश्यू में इंजुरी होगा या इन्फ्लामेशन होगा, बोन में इन्फ्लामेशन होगा। इसी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी बीमारी का मेन जड़ क्या है, कार्टिलेज का हार्ड हो जाना, कार्टिलेज में डिजेनरेशन हो जाना, कार्टिलेज का हार्डनेस हो जाना। हार्डनेस होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पर प्रेशर लगने लगता है, यहाँ फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, और इसी कारण इस एरिया में यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। यही है ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन डिफिनेशन। कारण क्या है, इसका मेन कारण है ओल्ड एज, जेनेटिक, वेट बियरिंग, ओबेसिटी, रिपीटेड इंजुरी, पोस्चर चेंज, माल न्यूट्रिशन, ये सब जो होता है, साथ साथ डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, इस सारे के सारे इसमें कारण हो जाते हैं जिसके कारण यह कार्टिलेज हार्ड हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कोई कारण अगर है तो वह है ओबेसिटी, वह है पोस्चर अबनॉर्मलिटी। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर से हेड से लेकर के पैर तक हर जॉइंट का एक अलग अलग लिमिट दिया गया है, किस वेट का, किस जॉइंट का वेट का लिमिट कितना होता है, यह फिक्स है कि उसकी लिमिटेशन होती है। थोड़ी देर के लिए आप जो है ना 50 किलो का बोरा उठा लेते हैं तो ऐसा थोड़े कि 50 किलो का बोरा आप हाथ में रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं होती है। आप 100 किलो बोरा घसका दे सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 100 बोरा का उठा सकते हो, नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तो आप कुछ वेट को आप उठा सकते हो, लेकिन जब कंटिन्यू यही वेट कंटिन्यू जब हमारे बॉडी में बना रहता है जिसके कारण इस जो कार्टिलेज है वो हार्ड हो लगती है, प्रेशर के कारण ये चोट लगता है, इतने इंजुरी हो गई ना, लो ग्रेड का इंजुरी होती है। इसके कारण क्या होता है, जैसे मारे देखिए अब सर्वाइकल है, 4 किलो के लिए इसका वेट बनाया गया है, लंबो सेक्रम है 35 किलो के लिए इसका वेट बनाया जाता है, नी ज्वाइंट है 50 किलो के लिए इसका वेट बनाया गया है। तो मान लीजिए आपके बॉडी का वेट 50 किलो 60 किलो तक, 50 किलो ऊपर में 10 किलो नीचे में, तो इतना वेट को के लिए वो नी ज्वाइंट बनाया गया है 50 किलो के लिए, लेकिन आपका ऊपर का वेट अगर सपोज 70 किलो हो जाए तो क्या होगी, इसमें
कार्टिलेज में धीरे धीरे हार्डनेस बढ़ने लगता है, कार्टिलेज धीरे धीरे इंजोर्ड होने लगता है। इसलिए हम पहले बताया है कि इसका सबसे बड़ा रीजन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का है तो वह है ओवर वेट और वेट का बढ़ जाना, पोस्चर चेंज हो जाना। जैसे मान लिया देखिए सब उधर जैसे टेम्पोरोमेंडुलर जंक्शन, इसमें क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इसका कारण होता है कि ज्यादा आप स्ट्रेच करते हैं माउथ को, आप ज्यादा स्ट्रेच करते हैं जाओ तो ज्यादा इसका यूज करते हो बाय द वे, उस केस में यहाँ पर अर्थराइटिस होती है। आपको मेलस इनका सिस्टम्स में क्यों होता है अर्थराइटिस, जब हाई डीबी पे आप गाना सुनते हैं तो ज्यादा डीबी पे गाना सुनिएगा तो उस केस में क्या होगी, ईयर ऑस्किल में अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस लग होती है। सर्वाइकल में कैसे हो जाती है, जब आपकी पोस्चर चेंज हो जाती है, मोटा मोटा पिल्लो यूज करते हैं और वो पिल्लो डायरेक्ट हेड पे यूज करते हैं, पोस्चर चेंज होती है, पढ़ाई करते समय पोस्चर चेंज करके पढ़ते हैं, इस समय आपको यहाँ पर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। लंबोसेक्रम में चेंज क्या होती है, जब बैठने का तरीका गलत हो जाता है या आप लॉन्ग सिटिंग का बैठने का काम करते हैं, जर्किंग वाले पे काम करते हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंज होती है। या फिर नी ज्वाइंट पे क्यों दिक्कत होती है, जब आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है और अबनॉर्मल पोस्चर पे आप काम करते रहते हैं तो उस केस में आपका नी ज्वाइंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। लंबोसेक्रम एक और होती है, जब झुक के आप बहुत देर तक काम करते हैं ना, उस केस में भी लंबोसेक्रम में अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस होती है। तो ये जो देख लिया आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, यही ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या सिम्टम है। देखिए सबसे पहली बात है ज्वाइंट में स्वेलिंग नज़र नहीं आता है यहाँ पे, और इसमें जो पेन होता है ना, ये आपको पेन जब भी पेशेंट जब से काम करना स्टार्ट करता है बहुत चूहन के जैसा दर्द होता है, तीखा दर्द होता है मरीज में। एक बात और भी याद रखिएगा, इसे ज्वाइंट स्टिफनेस नहीं आती है। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में अंतर क्या है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में चलते चलते स्टिफनेस बढ़ जाती है और उसका ज्वाइंट पेन होने लगता है, और वो ज्वाइंट पेन ज़्यादा हैवी नहीं होता है, वो धीरे धीरे ज्वाइंट पेन होने लगता है। लेकिन इसमें क्या होती है, जकड़न ज़्यादा होता है उसमें, किसमें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जकड़न नहीं होती है, इसमें क्या होता है ज्वाइंट तो फ्री रहता है लेकिन दिक्कत क्या होता है कि उठने बैठने काम करने नहीं बनता है, एकदम चूहन जैसा दर्द होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और जो भी ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा सारे ज्वाइंट में इसमें क्या होता है ना, पेन होता है कब, मूवमेंट के समय, पोस्चर के समय। अगर ईयर ऑस्किल में होगा तो टिनिटस होता है, कान में अबनॉर्मल सेंसेशन होने लगता है। अगर टेम्पोरामेंडुलर जंक्शन में होगी तो माउथ का ओपनिंग जो होता है ना 30 mm से ज़्यादा नहीं ओपन होता है या 3 cm ज़्यादा ओपन नहीं हो पाती है, यहाँ भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहचान होता है। जब नेक में अपीयर होता है तो नेक का स्टिफनेस होने लगती है, नेक में आपको पेन होने लगेगा, थोड़ा भी आप जो पोस्चर चेंज करेंगे तो दर्द स्टार्ट हो जाएगी नेक में। बैक में क्या होती है, यहाँ भी आपको न बैठने बनेगा, न काम करने बनेगा, न झुकने में बनेगा और काफ़ी दर्द होता है यहाँ पर बैक में। नी ज्वाइंट में से वैसा ही होती है, आपको थोड़ा भी चलने में नहीं बनेगा और तुरंत होगा स्टिंगिंग जैसा दर्द होता है यहाँ पे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की यहाँ पे सिम्टम मिलता है इसमें। अगर हम देखेंगे इसको, अगर बाय द वे साइंस से देखेंगे तो आप जब भी देखेंगे तो बोन का मार्जिन जो होता है एकदम शार्प और हार्ड हो जाता है। जब भी आप इसको टच करके देखिएगा बोन के मार्जिन को तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंज मिल रही है। कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है ये सिर्फ ज्वाइंट के लिए होती है, दूसरे ऑर्गन के लिए नहीं होती है। जैसे गौटी अर्थराइटिस बताए थे कि दूसरे ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, जैसे किडनी इन्वॉल्व हो जाता है। रूमेटिक अर्थराइटिस बताए थे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, इंटरकोस्टल सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बताए थे आपको कि हार्ट इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये बोन ही इन्वॉल्व होता है और ज्वाइंट इन्वॉल्व हो जाता है। उस ज्वाइंट में कई ऐसे डिजॉर्डर भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, और जब इसका हम पता लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब पता लगाएंगे तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन मात्र, वो है एक्सरे ऑफ अफेक्टेड ज्वाइंट। जिस ज्वाइंट पे अफेक्टेड होती है ना, वहाँ एक्सरे जब कराएंगे तो आपको एक एक्सरे प्लेट फिल्म पर जो साइडो रहेगी ना, तो मार्जिन जो होता है बोन का मार्जिन, ये ज़्यादा व्हाइटिश मिलती है। याद रखिएगा जब व्हाइट, जब आप एक्सरे प्लेट देखिएगा तो एक्सरे प्लेट पर बोन का मार्जिन ये ज़्यादा व्हाइटिश होता है, एक्सेस ओपेसिटी होती है इसमें। और क्योंकि नॉर्मल में ओपेसिटी नहीं होती, नॉर्मल में वहाँ पे ब्लैक ही शैडो होती है, और इस केस में ज़्यादा ओपेसिटी होती है। यही तो एक पहचान है, सिम्टम और ये एक्सरे डायग्नोसिस। इसके अलावा कोई डायग्नोसिस नहीं है जो पता लगा लेंगे। बाकी बात करते मैनेजमेंट पे, इसके लिए मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोस्चर मेंटेन बहुत जरूरी है। बॉडी का अब पोस्चर से बचना है,
बॉडी वेट, बॉडी का वेट अगर एक्स्ट्रा हो रही है तो वेट को रिड्यूस करना है, जो अबनॉर्मल पोस्चर में वर्क नहीं करेंगे, और प्लस डाइट मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, प्रोटीन डाइट हो अच्छा देंगे, प्रोटीन डाइट में मैग्नीशियम कंटेनिंग डाइट देंगे, कैल्शियम कंटेनिंग डाइट देते हैं, बस याद रखना है पोस्चर मेंटेनिंग बहुत जरूरी है इसमें, फिजियोथेरेपी करेंगे इसमें लोग, योगा मेडिटेशन भी जरूरत पड़ता है तो लोग योग करते हैं। नेक्स्ट इसमें न्यूट्रिशन डाइट बहुत जरूरी है। बात करते हैं मेडिसिन पे, तो इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा मेडिसिन है होम्योपैथिक में, सबसे अच्छा है इसमें मैगफॉस, अच्छी दवा इसमें है, रूटा है, सिम्फाइटम है जो ये भी अच्छी दवा है इसमें, कॉस्टिकम, अर्निका, ब्राउनिया, ये सब जो मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बेस्ट मेडिसिन में आता है, और एक मेडिसिन और भी साथ में इंक्लूड कर देते हैं मेडोडिनम, तो ये सब मेडिसिन देंगे मरीज ठीक होगी। ये था मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो जरूर सवाल करेंगे। याद रखिएगा ये जो डिजीज है कार्टिलेज का डिजीज है, कॉन्ड्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको, डिजनरेटिव डिजीज है, इसके कारण बोन इन्वॉल्व हो जाती है। बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर